प्यारे दर्शकों, मैं जो आपको एक उपाय बताती हूँ शिवलिंग पर जल चढ़ाना, उसी के बारे में आज मैं बात करूंगी कि हमें क्या लाभ होता है और क्यों लाभ होता है। मैं रमा जोशी, ज्योतिषी, रेकी हीलर, वास्तु कंसल्टेंट, अंक शास्त्री और ऑरा रीडर, बहुत सारी इन सब चीजों की जानकारी एक सरल भाषा में अगर आप लेना चाहते हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है लाइक कीजिए, आपको जो बातें अच्छी लगती है कमेंट कीजिए, और जो आप जानना चाहते हैं उसके लिए भी आप कमेंट कीजिए। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं जन्म पत्री दिखाने के लिए, रेकी हीलिंग के लिए, तो जो मेरे नंबर्स आ रहे हैं उनमें आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए और अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो आज बात करती हूँ मैं उस उपाय की जब मैं आपको बोलती हूँ कि आप शिवलिंग पे जल चढ़ाएं। देखिए, शिवलिंग की जो एक संरचना बनती ना, उस तरीके से बनी हुई कि जब भी आप उस पर जल चढ़ाते हैं रेगुलर, तो कहीं ना कहीं आपका मन स्टेबल हो गया, आपका दिमाग शांत होने लगता है, आपको अच्छा लगता है। जो उसकी संरचना है ना, वो आपको एक मेंटल स्टेबिलिटी के साथ एक सेटिस्फेक्शन भी देती है, आपके मन को स्थिर करती है, खुश रखती है और एक सकारात्मक ऊर्जा से भी आपको भर देती है। देखिए, ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये वैज्ञानिक तथ्य है। ठीक है, आप मंदिर में भी जाके शिवलिंग में जल चढ़ा सकते हैं और आप अपने घर में भी शिवलिंग रख सकते हैं। बिल्कुल, आप अपने घर में, अपने मंदिर में भी शिवलिंग रख सकते हैं। आप नीचे उसके तांबे की कोई प्लेट रख लीजिए और उसके बाद आप शिवलिंग पे जल चढ़ा दीजिए। छोटा सा काले रंग का पत्थर का शिवलिंग लेके आइए और उसके जल चढ़ाएं। आप पारे का भी शिवलिंग ले सकते हैं। अगर आपका बुध वीक है तो आप पारे का शिवलिंग लीजिए, अगर आपका चंद्रमा पीड़ित है तो आप पत्थर वाला लीजिए। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो भी आप पत्थर वाला लीजिए ना, काले रंग का जो होता है। देखिए, शिवलिंग पे जल चढ़ाना एक वैज्ञानिक दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैं जो ये चीज़ें बोल रही हूँ ना, मैंने कई बार ये लोगों में चेंजेस होते हुए देखे, बहुत सालों से ये मैं उपाय बता रही हूँ और मैंने इसके रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़िया देखे। देखिए, जीवन में हम कई चीज़ों को खुद कंट्रोल करते हैं। देखिए, जीवन में हम चाहते हैं कि हम सब उन्नति करें, पॉजिटिव सोचें, हमारा मनोबल अच्छा हो, हमारी आत्मशक्ति अच्छी हो, लेकिन क्या होता है, हमारा मन कंट्रोल नहीं होता, भटकता रहता है, कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में घूमती रहती हैं और हम उलझते जाते हैं अपने ही विचारों में, अपने ही चीज़ों में, लेकिन हमें वहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता। तो हम क्या करें, जब हम शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं ना, तो हम उस चीज़ से बाहर आते हैं, हमारे दिमाग में स्थिरता आती है, हमारी जो एनर्जीज हैं, जो हमारी ऊर्जाएं हैं, वो स्थिर होने लगती हैं, हमारे जीवन में भी स्थिरता आती है, वो जो भटकाव था ना वो हमारे अंदर से खत्म होने लग जाता है, हमें अच्छा लगता है, वो सुकून जो हमें महसूस नहीं हो रहा था वो महसूस। ऐसा नहीं कि अगर आपको बोला है कि आप जल चढ़ाइए शिवलिंग पे या कोई और चीज़ चलाइए तो वो सिर्फ भक्ति के लिए, उसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी, जो शेप है शिवलिंग की ऐसी है कि जब आप उस पर जल चढ़ाएंगे तो पानी से वो जो एनर्जी है शिवलिंग की, वो वहाँ से होती हुई आपके पास, आपने जो लोटा पकड़ा होगा उससे ट्रांसफर होके आएगी। अगर हम लकड़ी का पकड़ेंगे कोई चीज़ और फिर हम उससे जल चढ़ाएं तो हाँ, हमारे पास एनर्जीज नहीं आएंगी, ट्रांसफर नहीं होगा। लेकिन हम लकड़ी से जल नहीं चढ़ाते, हम तांबे से जल चढ़ाते हैं, तांबे के लोटे से। जब आप जल चढ़ाएंगे ना, वो पॉजिटिव ऊर्जा जो कि शिवलिंग पे रेगुलर बनती जा रही और है, वो आपको ऑटोमेटिक मिलेगी। देखिए, जो पुराने हैं, मंदिर हैं, शिवलिंग हैं, ज्योतिर्लिंग है, उनमें कितनी ऊर्जा है, जब आप शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं ना, वो ऊर्जा डायरेक्ट आपके अंदर भी आती है जब आप लोटे से जल चढ़ाते हैं। तो देखिए, ये चीज़ें कितनी वैज्ञानिक है। आप ये सोचिए कि आपको तीर्थों पे जाने का भी कितना लाभ होता है जल चढ़ाने का भी, कि आप उस ऊर्जा को डायरेक्ट ले पा रहे हैं, और आप अपने घर में भी अगर शिवलिंग रख रहे हैं भक्ति से, भावना से आप उसमें जल चढ़ा रहे हैं, तो फिर आप देखिए ना कि किस तरीके की एनर्जीज आपको फील होती हैं, खुद आप अपने जीवन में देखिए कितनी स्थिरता है। क्या है जीवन की आधी समस्याएं तो खुद ही आपको लगेगा कि सॉल्व होने लगेंगे, फिर आगे के लिए आपके अंदर शक्ति आ जाएगी। देखिए, ऐसे ही बहुत सारी बातें मैं आपके लिए लेकर के आती रहूँगी, तब तक आप अपना सम्मान कीजिए, अपने जीवन का सम्मान कीजिए। और कोई भी चीज़ आप उपाय पूजा पाठ करते हैं ना, सोचिए मैं क्यों कर रहा हूँ, लॉजिक सोचिए, अपने मन के अंदर सोचिए कि मैं इनकी पूजा कर रहा हूँ तो मेरे मन में जो भी, जिनको भी अपना आप इष्ट मानते हैं, तो आपको समझ आ जाए कि उनके अंदर कितनी आपके अंदर
भक्ति है, श्रद्धा है उस ईश्वर को लेके, फिर आप उस उपाय के साथ ज्यादा अच्छी तरीके से कनेक्ट हो पाएंगे और अपने इष्ट के साथ ज्यादा अच्छे से कनेक्ट हो पाएंगे। आज के लिए इतना ही। मैं रमा जोशी, नमस्कार।